हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सब लोग का? उम्मीद है सब खरीद से होंगे। तो मैं आज एक और न्यू ब्रांड वीडियो के साथ, तो आज हम करने वाले हैं इंडियन कार्स वर्सेस पाकिस्तानी कार्स। तो आज सुबह मैं कुछ यूट्यूब पे घूम रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने एक बाइक की इंडियन बाइक की वीडियो देखी, ठीक है ना। उसने इंडियन वर्सेज पाकिस्तानी कार्स, ठीक है, ऐसी बनाई हुई थी। उनको रैंक के ऊपर से लेके जा रहा था और लिखा हुआ था कि विच इज़ बेस्ट। अगर हाँ भाई, उनको बहुत सारे कमेंट आए, तो मैं उसका चैनल भी आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, बता दूंगा सब कुछ। वैसे आप मतलब बेकार सी हैं, और उसने सारी पाकिस्तानी कार को ऐसे ही बेकार साबित किया था। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, जो भी अभी ये मैंने गाड़ियाँ स्पॉन की हुई हैं, ठीक है, इनकी मैं स्पीड मैन्यूअल ट्रेनर के जरिए काम भी कर सकता हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ। लेकिन आपके सामने अब मैं कुछ आपको कुछ सीक्रेट बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो, मैंने पहले इंडियन, ठीक है ना, एक मतलब बाइक लेके गया था, वो भी ठीक ठाक पहुँच गया। पाकिस्तानी लेके जा रहा हूँ, ये भी ठीक ठाक पहुँच गया। अब मैं यहाँ पर एक ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कि कुछ मैंने गाड़ियाँ स्पॉन किया हैं, उनको मैंने पाकिस्तानी कार्स दे दिए हैं नाम, और कुछ को इंडियन कार्स दे दिए हैं। अब मैं इनको स्पॉन कर सकता था, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, तकरीबन आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, कि उस भाई ने ऐसे किया हुआ है कि मतलब पाकिस्तानी कार्स कुछ स्पॉन करके, कुछ इंडियन कार्स स्पॉन करके, ठीक है, उनको बताया हुआ है कि भाई यार कौन सी कार अच्छी है, कौन सी कार अच्छी नहीं है। तो बाकी आप देख सकते हैं, अब मैं दोनों पाकिस्तानी बाइक चले गए हैं। अब ये देखो, इसको भी मैं ठीक ठाक पहुंचा के लेके जा सकता हूँ, लेकिन भाई साहब, आप जैसे उसने किया हुआ था, मैं बिल्कुल वैसे आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, कि वो किस तरह से धांधली कर रहा था। और यार, ये मुखालफत ही पैदा होती है दोनों मुल्कों के दरमियान, ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में ये लोग जो हैं ना, भाई बेशक पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, जो भी ऐसे करते हैं, ठीक है, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, उसकी जितनी वीडियो थी उसने यही बताया हुआ है, ठीक है, पाकिस्तानी कार्स को उसने बिल्कुल गया गुजरा बनाया हुआ है यार, ठीक है ना, बहुत सारे मुख्तलिफ रैम्स गुजार रहा था, ठीक है। अब आपके सामने मैं मतलब लेके तो जा रहा हूँ, अब मैं 125 लेके जाऊँगा पाकिस्तानी, ठीक है, सारे अच्छे जाएंगे। लेकिन आपको एक समझाने का मकसद यह है कि उसने जिस तरीके से किया हुआ था, मैं अब आपको इसके बाद दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो, मैं बाइक जो है ज़बरदस्त तरीके से जा रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। अभी इसके बाद जो अगला मैं बाइक लेके जाऊंगा, उसने आपको उसका देखना है आपने, ठीक है। तो ये एक मैन्यूअल ट्रेनर सा होता है, उसके ज़रिए मैं बाइक रेस काम भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने काम नहीं की, लेकिन मैं एक दो करूँगा, एक दो बाइकों को ऐसे करूँगा, ठीक है ना। बाकी जैसे है वैसी हम उसको वीडियो को चलाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अब मैं इंडियन बाइक लेके जाऊंगा। अब आपने देखना है, ये बाइक ऊपर रैम तक नहीं चढ़ पाएगा। क्यों नहीं चढ़ पाएगा? क्योंकि इसमें कुछ धांधली करने वालों को मैं खुद ही, एक तो इसके मैंने रेस काम कर दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको मैंने फुल एक्सीलेटर दिया हुआ है, लेकिन रेस काम है, ठीक है, ये अब ऊपर तक नहीं चढ़ पाएगा। ऐसी तरह मैं पाकिस्तानी एक कार का भी करके बताऊंगा, ठीक है। उसने तकरीबन सारी गाड़ी सारे मोटरसाइकिलों में यही काम किया हुआ है, और बता रहा है जी पाकिस्तानी कार तो बिल्कुल बेकार है, तो ये है तो वो है, ठीक है। लेकिन मैं उसको ये मतलब उसके लिए वीडियो बनाई है कि यार तुम देखो ऐसे नहीं करना चाहिए। अब देखो, इधर मैं एक्सीटर देख मोटरसाइकिल को रोक रही है, ठीक है, बटन हटा के एक्सीटर दे रहा हूँ। ये अब ये शो हो रहा है कि यार ये मोटरसाइकिल बंद होने वाला है, ठीक है। अब मैं इसको बहुत ज़ोर भी लगा रहा हूँ एक पाँव के साथ, जैसे मतलब रियलाइज्ड होता है। अब मैं नई पहली वीडियो है मेरी इस टॉपिक पे, तो इतना ख़ास मतलब बिल्कुल रियल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, अगर आपके प्यार हुआ साथ, तो अगली वीडियो में आपको मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। अब मैं पाकिस्तानी बाइक एक और लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये उसने जैसे किया था, ये भी इंडिया का बाइक, मतलब अब मैं उसी ज़बान बोलूँगा, इंडिया का बाइक तो बिल्कुल बेकार था, वो तो ऊपर तक चढ़ नहीं पाया, ठीक है ना, उसका तो वहीं पे दम टूट गया। अब ये पाकिस्तानी बाइक में लेके जा रहा हूँ, अपना हमारा पाकिस्तानी बाइक है, और ये बहुत ही पार्ट तरीके से जा रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है, ऐसे करते रहता है। लेकिन अब आपको ये बताना है कि मतलब ये गेम है, गेम में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब मैंने कमेंट भी देखे थे बहुत सारे, ठीक है, कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, तो उस वजह से मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के हकीकत बता दी जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बिल्कुल मैन्यूअल ट्रेनर का यूज़ करके बताऊं, तो उसके लिए आप भाइयों ने कमेंट कर देना है, मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है।
मेरा चैनल तो नया है, लेकिन मेरी जितनी भी फैमिली है मैं उसके लिए बस करता हूँ, जो भी मेरी फैमिली का हिस्सा है ठीक है उसके लिए मैं ये सब करते रहता हूँ। अब देखो आप, मैं एक गाड़ी लेके जा रहा हूँ ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर आपके आँखों के सामने, अब ठीक है ये कितनी पीछे से स्पीड से आई थी, लेकिन यहाँ से मैं इसको स्लो कर देता हूँ, यही शो हो रहा है कि यार इसने एक्सीलेटर फुल दी हुआ है लेकिन गाड़ी पे इतनी ताकत नहीं है। लेकिन ये देखो वो जी बड़ी मुश्किल से पहुँच गया, इंडियन कार्स बहुत ही मुश्किल से पहुँच गया, उम्मीद तो नहीं थी मगर बहुत मुश्किल से पहुँच चुकी है। अब हम दोबारा अपनी पाकिस्तानी कार्स को लेके आएंगे ठीक है, वो देखना वो कैसी जाएगी, कि इस तरह का वो बोल रहा था सारा कुछ, मतलब कमेंट्री साथ साथ कर रहा था। अब देखो भाई ये सब कुछ मैंने खुद रैंप बनाया है, रात को मैंने मेहनत की है इस पर ठीक है ना, तो बहुत सारी मेहनत के बाद मतलब मेरा इतना ये नतीजा निकला है, मतलब थोड़ी बहुत वीडियो बनाने काबिल हूँ। लेकिन आप भाइयों ने प्यार करना है, सपोर्ट दिखानी है, अपना लाइक कर देना है ठीक है चैनल को। अब मैं ये दोबारा लेके जा रहा हूँ, अभी अभी ये मेरी पाकिस्तानी कार है ठीक है, मतलब यही इमेजिन कर रहा हूँ कि ये मेरी पाकिस्तानी कार है और ये इंडियन कार है सारी GTA 5 में इन्होंने दी हुई है ठीक है ना, कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब ये देखो पाकिस्तानी कार इधर मैंने स्लो कर दी है ठीक है, ये सारा मेरे अपने हाथ में है। अब इधर मैं चाहूँ तो इनको मैं इतनी स्पीड दे सकता हूँ कि ये इस रैंप से वो काफ़ी दूर जाके गिर सकती हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रहा, लेकिन आपको समझाने के लिए और बस सिर्फ इन्जॉयमेंट करने के लिए कर रहा हूँ। एक और वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे ठीक है, तो उसमें मैं बहुत सारी रैम्स की भी वैसी वीडियो बनाते रहता हूँ ठीक है ना, अच्छी से अच्छी आती हैं, लेकिन आपने मतलब प्यार दिखाना है ठीक है। आप इंडियन की एक मतलब इमेजिन कहा देते हैं मर्सिडीज़ है, ये इंडियन की हम मर्सिडीज़ लेके जा रहे हैं, अब ये क्या रंग दिखाती है ठीक है, तो उसकी ज़बान में मुख्तलिफ, चलो जैसे ही वो बोल रहा था उसने बोल दिया। अब मैं वैसे नॉर्मली गेम खेलूँगा ठीक है, अब मैंने आपको समझाना था वो समझा दिया है। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये कि साउंड का शायद इशू आ रहा हो यार, रिकॉर्डिंग टाइम उस टाइम पता नहीं लगा लेकिन साउंड का इशू आ गया है, लेकिन आपने इसको करना है ठीक है ना, इसके साथ कंप्रोमाइज़ करना है और बस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अब मैं अपनी इंडियन की मर्सिडीज़ ले गया हूँ, अब मैं अपनी पाकिस्तानी होंडा सिविक लेके जा रहा हूँ ठीक है, तो अपनी आपने मर्सिडीज़ को भी देखा और होंडा सिविक भी देख लेना ठीक है, दोनों ही मतलब देखो कार्स हैं, रैंप्स भी अच्छे हैं। अब एक तो ये है कि ये थोड़ा लंबा सा बन गया है, मतलब बिल्कुल सीधी चढ़ाई नहीं है, अगली वीडियो इंशाल्लाह आएगी उसमें मैं कमेंट की वीडियो होगी और अच्छे से अच्छी वीडियो होगी, मतलब ये देखो अभी मर्सिडीज़ का जाम देखा है और इसका भी देखा है ठीक है, ये सारा ये हमारे अपने हाथ में है ठीक है ना। अब मैं चाहता तो इसको मैं इतनी एक्सीलेटर नहीं दे सकता था, लेकिन चलो अब मतलब थोड़ी सी गार रह गई हैं और भी इंडियन रहती है मतलब सारा है, तो अब ये फिर इंडियन कार्स है ठीक है ना, अब इसको मैं लेके जा रहा हूँ एंड तक पहुँच के, मैं अभी चाहूँ तो इसको पूरा लेके जा सकता हूँ अगर एक्सीलेटर काम कर दूँ सारा कुछ, मतलब ये अपने हाथ में होता है। बाकी यार ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मैं एक से एक अच्छी वीडियो ला सकूँ। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि आप जो भी मेरा भाई इस वीडियो को अगर देखे तो वो मेरी फैमिली में शामिल हो जाए, यूट्यूब की फैमिली में ठीक है, तो आपको जो भी वीडियो चाहिए होगी इंशाल्लाह मैं आपको बना के दूंगा ठीक है ना, आपकी फुल हेल्प की जाएगी ठीक है। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी चाहिए, मतलब कोई चीज़ इशू है या कोई मतलब जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं वो आपके लिए करूँगा, बस आपने यूट्यूब की फैमिली में हिस्सा लेना है ठीक है, और एक दूसरे का साथ देना है ठीक है ना, चाहे मेरा भाई इंडिया से देख रहा है या पाकिस्तान से कोई देख रहा है ठीक है, तो आपने ये काम लाजमी करना है कि मेरी फैमिली में शामिल हो जाए। बाकी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आती ही रहती हैं, मैं मेहनत मज़ीद करता तो हूँ ठीक है, डेली की डेली वीडियो आ रही हैं, तो बस ये है कि आप भाइयों का मैं साथ होगा इंशाल्लाह फिर कामयाबी नज़दीक ही है। तो अब काफ़ी मतलब बहुत सारी पाकिस्तानी कार्स भी आ चुकी हैं और इंडियन भी आ चुकी हैं, अब एक इंडियन मॉन्स्टर ट्रक की बारी है, इसको लेके जाते हैं, तो इसके बाद हम अपने पाकिस्तानी ट्रक लेके जाएंगे। अब थोड़ी सी मैं उसकी ज़बान यूज़ कर लेता हूँ ठीक है, जैसे वो भाई कर रहा था, उसका चैनल पुराना है, उसके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, मतलब बहुत ही व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तकरीबन 200 से 200 300 प्लस के उसके व्यू हैं, तो मेरा मतलब चैनल तो नया है लेकिन मैंने देखा, मैंने कहा यार ये भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, इस वजह से फिर मैंने ये वीडियो बनाई है। और आप पाकिस्तानी मॉन्स्टर ट्रक की बारी है ठीक है ना, आप पाकिस्तानी मॉन्स्टर ट्रक देना, बहुत ही VIP तरीके से जाएगा वो भाई साहब, काफ़ी गुल मचा के जा रहा है ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है वगैरह वगैरह, जैसे वो कह रहा था अपने इंडियन कार्स के भाई व्हीकल के,
बारे में। तो भाई साहब इसकी तो स्पीड कम ही नहीं हो रही बल्कि और ज़्यादा हो रही है, और ये जी भाई साहब काफ़ी स्पीड के साथ जा रहा है, ठीक है ना। और ये ज़बरदस्त तरीके के साथ इसने लैंड किया है। अभी ये था हमारा जी पाकिस्तानी ट्रक, ठीक है। अब हम इंडियन वैंस को ले, इंडियन एक और कार्स को लेके जा रहे हैं। अब ये देखते हैं इसका क्या होता है। तो हम बड़ी इसको स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वहाँ तक पहुँच पाए, ठीक है ना। ये मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी कार्स का मुकाबला कर पाए, तो ये वगैरह वगैरह। अब वैसे ये जाएगी, ये एंड तक जाएगी, ठीक है ना। मैं कहता हूँ आप आगे देखना, ट्रक भी जाएंगे, बसेस भी जाएंगी, ठीक है ना। रिंगते जाएंगी, लेकिन जाएंगी ज़रूर, ठीक है ना। क्योंकि उनके मैंने कोई उनमें धांधली नहीं किया है, एक्सीलेटर उनके जैसे हैं वैसे ही रहने दिए हैं, ठीक है, ताकि पता लग सके भाई यार ये रियल वीडियो है तो नहीं है। या तो भाई अगर कोई बंदा रियल काम करे ना, ठीक है। अब देखो भाई, इंडियन ट्रक या पाकिस्तानी ट्रक, ठीक है, उनमें शेप का डिफरेंट होता है, मतलब इंजन पावर जो होती है वो काफ़ी सेम होती है, मतलब उनकी बहुत सारी मिलती जुलती है। लेकिन नहीं, कोई भाई होते हैं कहते हैं नहीं यार ये काम ठीक नहीं है, अपना है अपना है अपना है, ठीक है। तो अब बस मैंने जितना लेक्चर देना था ले दिया, अब मैं यहाँ पर, आप वीडियो को एंजॉय करें, एंड पे मिलते हैं। वीडियो के एंड पे थोड़ा सा मैं आपको एक दो बातें बता दूंगा और उसके बाद वीडियो एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें।
हम पाकिस्तानी बस तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब ये आखिरी है, मतलब इसके बाद कोई नहीं होगा, ठीक है। ये आखिरी व्हीकल बचे थे तो यहाँ पर मैंने कहा आपको थोड़ा सा और कमेंट्री करके बता दिया जाए कुछ बातें। अब यार देखो ये बहुत काफ़ी लंबी बस है और मतलब इसको मैंने देखो कोई ऐसा ध्यान ही नहीं किया। अभी देखो मैं चाहता तो अगर इसको मतलब सही एक्सीलेटर दे के मतलब इसकी स्पीड बढ़ा के मैं कह सकता ये जी हमारी बस में बहुत पावर है, ये है वो है, हालांकि इससे होना कुछ भी नहीं है। अब जैसी है वैसी मैं इसको ले के जा रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने बटन दबाया हुआ है, एक्सीलेटर वाला हटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये रिंगते रिंगते जा रही है कछुई की तरह, ठीक है ना, वैसे ही जा रही है। अब शायद ये रुक जाए ना रुके मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी हम ये चीज़ नहीं सोचते, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुश्किल से पहुँच चुकी है लेकिन यहाँ पर ये फंस गई है, ठीक है ना। अब हम लेके आते हैं अपनी इंडियन व्हीकल को, ठीक है। अब देखो दिखने में दोनों एक जैसी हैं लेकिन इसका कलर मैंने रेड दे दिया है, उसको मैंने दे दिया ग्रीन कलर दे दिया। अब इसको भी लेके जाएंगे, ठीक है। वैसे ही मतलब मुश्किल से अब मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना, कि ये बस आखिरी व्हीकल है। जैसे यहाँ पर ये वैसे जाके अटकेगी मैं वीडियो को एंड कर दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है यार, वीडियो को लाइक लाजमी करना है, ठीक है। और हमारी फैमिली के साथ मिलकर, ठीक है ना, हमारा साथ देना है, ठीक है। आपके इस प्यार की ज़रूरत है बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। अगर ये मेरी वीडियो इंडिया में चल रही है जिधर भी मतलब अगर जहाँ कहीं भी मेरी बात जिसको समझ आ रही है उर्दू में मतलब, ठीक है, तो उस भाई को मैं अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उसने यहाँ तक मेरी वीडियो को वॉच किया, मुझे इतना प्यार दिखाया, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, ठीक है ना, मेरी वीडियो देखने के लिए। और चैनल को यार सब्सक्राइब मैं बार बार कह रहा हूँ इसकी लाजकार दो, क्योंकि आप प्यार दिखाएंगे इंशाल्लाह फिर मैं भी आपके लिए डबल मेहनत करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।